हेलो एवरीबॉडी, प्रगत हियर एंड दिस वीडियो इज अबाउट रापण। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जो बड़ी बोट है तो इसके थ्रू कोंकण में फिशिंग चलती है, तो इसको रापण बोलते हैं। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो पूरा का पूरा समुद्र का किनारा है तांबाड़े और मिडबाओ बना के, तो उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 रापण चलती थी। बट नाउडेज अभी सब लोग ने छोटी छोटी बोट्स ले ली है एंड रापण इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, और मेजरली लोग नहीं हैं। जो भी लोग बड़े हो जाते हैं वो सब मुंबई चले जाते हैं काम के लिए। सो दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि यहाँ पे रापण के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो बहुत कम बार रापण लगते, तो लकीली मैं आज आया हूँ गांव में और यहाँ पे रापण लगी हुई है। मैं आपको आज बताऊँगा कि ये रापण से फिशिंग कैसे करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बोट है, ये बोट अभी वो जो सब उन्होंने लकड़ियाँ रखी है उसके ऊपर से खींच खींच के ये समुंदर के अंदर लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द वे, और आप देख सकते हो कि ये जो समुंदर है वो आज अच्छा खासा शांत है। ओके, इट्स वेरी क्वाइट। ओके, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बट आई होप अच्छी मछली भी मिल जाए आज। ओके, सो अच्छी मछली मिलेगी तो यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ फिश। देखो, छोटी छोटी जो पात होते हैं इसमें छोटी छोटी मच्छी मिलती है। जहाँ रापण का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि रापण में जब मच्छी लगती है तो टन्स में लगती है, तो पापलेट भी टन से मिलती है, सुरमई भी टन से मिलती है। तो अगर मतलब हो गया तो एकदम एक साथ 5-6 लाख का भी बिजनेस भी हो सकता है। सो आई एम होपिंग कि आज जो रापण लग रही है यहाँ पे अच्छा फिश मिल जाए। सो देखो, उन्होंने खींचने के लिए स्टार्ट कर दिया है। वो देखिए थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर अच्छी तरह से खींच पाएंगे। बहुत जोर लगाना पड़ता है, यू कैन सी ताकत लगा रहे तभी ये बोट घूम रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो ये बोट ऑलमोस्ट समुद्र के नजदीक आ गई है, आप देख सकते हो। तो इतना ही डिस्टेंस बचा है और उसके बाद वो पानी में चली जाएगी। तो बोट ऑलमोस्ट रेडी है पानी में जाने के लिए, अभी तो पूरा का पूरा स्लोप ही है। अभी बोट अभी पानी में एंटर कर रही है। फाइनली ये जो रापण है पानी के अंदर एंटर कर रही है, और ये मिस्टर तांडेल है। देखो, तांडेल अभी लेट आया है। नाउ वी आर एंटरिंग इन टू वाटर। लोग पानी बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये रुपए बस।
हम लोग अच्छी तरह से पानी के अंदर आ गए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं मतलब मेटाओ के समुंदर के अंदर आया हूँ। ओके, समुंदर के किनारे पे तो बहुत बार आया हूँ, बट इतना अंदर आके पहली बार मैं समुंदर का किनारा देख रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड को ये गजपा देवी का टेम्पल है। ओके, और पीछे मेरे मेटाओ का समुंदर किनारा है, और अभी भी ये सब लोग मतलब जोर जोर से वल्ला रहे हैं। ओके, तो हम लोग और अंदर जा रहे हैं डीप सी के अंदर। ओके, तो समुंदर अभी थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। देख सकते हो उन्होंने जो फिशिंग नेट है वो डालना स्टार्ट कर दिया। वो हमारा जो तांगे था वो टाइट हो गया था। तो आप देख सकते हो वहाँ पे ये डाला हुआ है, और अभी ये सर्कल में डाल रहे हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग पैरेलल टू सी। जैसे मैंने बताया कि ये जो नेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने एक कोना तो डाल दिया है, तो अभी हम लोग एक पूरा सर्कल लगा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरे कोने के साथ हम लोग समुद्र के किनारे निकल जाएंगे, और उसके बाद ये दोनों कोनों खींच खींच के समुद्र किनारे पे लेके आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न एक बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, और अगर मिला तो बहुत ज़्यादा फिश मिलता है। सो आई होप आज मैं आया हूँ, और आपको अगर देखना है तो यू कैन ऑल्सो प्रे कि आज बहुत अच्छा फिश मिल जाए। ओके,
तो अभी हम लोग वापस चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और जो नेट है वो भी डाल के हो गया है। सो नाउ वी कैन जस्ट होप कि अच्छी मछली मिल जाए। आई होप पॉपुलेट नहीं तो सुरमई मिल जाए, व्हाट डन। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं समुंदर के किनारे और उसके बाद ये जो नेट हम लोग ने पानी के अंदर डाला हुआ है वो खींचना स्टार्ट हो करेंगे। भाग भाग के जा रहे हैं। समुद्र के नज़दीक जा रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी हम लोग अभी समुद्र के किनारे जा रहे हैं। बट थोड़ा और घूमने वाले लगता है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फिश मिलने वाली है। समुंदर के जो बर्ड्स हैं वो फिश कैच करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारा फिश उड़ रहा था पानी के अंदर। तो आई होप सो अच्छा फिश मिल जाए। अभी शायद अभी ये नांगर डाल रहे हैं, मैं उसके बाद डालने के बाद पूछता हूँ। आप देख सकते हो रापण का वो एक कोना है और अभी ये जो आप अगर देख सकते हो छोटे छोटे जो लकड़ी के पीस दिख रहे हैं वो एक्चुअल रापण है। तो वो कोने से ये कोने थे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। तो वो दोनों अभी खींच रहे हैं, ओके। और इसके बीच में जो भी मछली है वो इस रापण में फंसने वाली है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छी मछली फंस जाए आज। आप देख सकते हो दोनों साइड से वो खींच रहे हैं जो रापण का नेट है और वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसके बीच में जो भी ये मछली फंसेगा वो आज ही आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड से खींच खींच के नज़दीक लेके आए हैं रापण। कुछ देर में वो पूरी तरह से रापण ऊपर खींच लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना मछली मिला। और पीछे आप मिडबाउ का MTDC का रिसोर्ट भी देख सकते हो और अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है। तो अभी रापण ऑलमोस्ट खींच लिए उन लोगों ने, आप देख सकते हो। दीपक इज ऑलमोस्ट ऑन द शोर। तो अभी हम लोग भी रापण के नज़दीक जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या मच्छी मिला है। आप देख सकते हो उन रापण पूरी तरह से ऊपर खींच ली, तो अभी वहाँ पे जाके पता चल जाएगा कि कितना फिश मिला है। अभी हम लोग नज़दीक तो आ गए थे बट लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग अभी फिर से दूर आ गए। और इसके बीच में एक बहुत बड़ी नाव हो गई थी और यू कैन सी मैं थोड़ा भीग गया हूँ ये चक्कर में, मेरा बैग भी भीग गया हूँ। सो कैमरा सब मेरे बाकी के कैमरा सब सेफ रहे हैं। सो अभी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं किनारे पे जाने के लिए, सो जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग फिर से समुंदर के किनारे आ गए। Oh, that's a hammer. Oh,
तो फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ अभी, और आप देख सकते हो पीछे ये सब खींच रहे हैं बोट को। तो भी ये जोर लगा के सब खींच रहे हैं बोट को ऊपर। तो फाइनली अभी बोट ऊपर आ गई है, आप देख सकते हो। ये सब जो रापण है वो जमा कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ये फिश मिला हुआ है इधर बड़ी वाली मंदिर की तरफ। आप देख सकते हो बांगड़ा और सुरमई तोड़ भी है थोड़ा बहुत। तो ये सब फिश मिला है ये इतना सब रावण का मेहनत करने के बाद। तो आप समझ सकते हो कि इतना एफर्ट डालना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा मछली मिलता है, नहीं तो इतना मिल जाता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 20-25 लोग थे, तो वही हिसाब से तो बहुत कम मछली मिला है। ओके, सो दैट इज़ रीज़न अभी आप मेजोरिटी ऑफ टाइम देखोगे तो लोग छोटी छोटी पात लेके फिशिंग करते हैं। अभी ये जो किनारा है इसके ऊपर एक टाइम पे ऑलमोस्ट 15-20 रापण चलती थी, बट आज सिर्फ एक ही बची है। बट दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग इन कोंकण। बरसों से लोग ऐसे ही फिशिंग करते थे, बट इट इज़ डिमिनिशिंग। शायद ये रापण कल रहे ना रहे, ऑफकोर्स लकीली अभी ये वीडियो मैंने बना के रख दिया है, सो एटलीस्ट मेमरीज तो रहेंगी रापण की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।